जो सांसद होता है, जो सांसद होता है इस पैसे को वो रिकमेंड करता है। आम भाषा में ये जो पैसा है इसे क्या कहते हैं? सांसद निधि। ये आप लोगों ने देखा होगा पानी के टैंकर में लिखा रहता है कि सांसद निधि द्वारा प्राप्त, ये टैंकर चल रहा है सांसद निधि द्वारा स्कूल का जीर्णोद्धार कराया गया है। तो ये जो योजना है इसको कहते हैं एमपी लैड्स। क्या कहते हैं इस योजना को? एमपी लैड्स। एम फॉर मेंबर, पी फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एल फॉर लोकल, ए फॉर एरिया, डी फॉर डेवलपमेंट, एस फॉर स्कीम, एमपी लैड्स स्कीम। ठीक है, यानी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। और इस योजना के तहत सांसद को हर साल के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन ये पैसा उसके हाथ में नहीं आता है, जिले के कलेक्टर के पास रहता है। वो रिकमेंड करता है कि भाई मेरे पैसे से यहाँ रोड बनवा दो, मेरे पैसे से यहाँ कुआं खुदवा दो, मेरे पैसे से इनके यहाँ टिल्लू पंप लगवा दो। तो फिर वो उस पैसे का उपयोग होता है, फिर उसमें लिखा रहता है कि सांसद निधि द्वारा ये काम किया गया है। ये है एमपी लैड्स। मेरी बात क्लियर है तो रिप्लाई करो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। मेरी बात क्लियर है, रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। यस सर। अब सवाल ये है कि भैया जब 5 करोड़ रुपए मिलना था तो ये लैप्स क्यों हो गया? क्योंकि जैसे COVID-19 फैला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने मौसपी को बोला, मौसपी जितना भी पैसा इन लोगों को दे रहे हो तुम ना, इसको फ्रीज कर दो, रोक दो, क्योंकि पैसा ही नहीं तो देंगे कहां से। तो ये पैसा रोक दिया गया। जब पैसा रोक दिया गया तो भाई साल खत्म होने को आ गया और इनको 5 करोड़ रुपए इनके पास था, लेकिन अब वो अनयूज्ड रह गया क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले रोक दिया था कि अभी यूज मत करना, अभी देश में दिक्कत है, और अब सिर्फ 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता बचा है उस पैसे को, तो वो लैप्स होने वाला है। वही ये न्यूज है कि 50% जो पैसा है वो लैप्स हो रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात, रिप्लाई करो। जी सर। तो पहला चीज आपने जाना कि एमपी लैड्स क्या होता है, दूसरा आपने ये जाना एमपी लैड्स पे कितना पैसा मिलता है, तीसरा आपने जाना एमपी लैड्स का पैसा किसके खाते में आता है, कलेक्टर के खाते में आता है, सरकारी कलेक्ट्रेट वाले खाते में, चौथा आपने जाना ये पैसा जो है लैप्सेबल है, व्यपगत है, अगर यूज नहीं करोगे तो लैप्स हो जाएगा, और पांचवा आपने जाना कि इस पैसे के लिए जो एमपी है वो सलाह देते हैं, एडवाइस करता है कि ये काम कर दो, करेगा कलेक्टर ही लेकिन वो एडवाइस करता है, ये इस पैसे का मालिक नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये कि एमपी लैड्स आया कब से, तो एक 1991 में इसके लिए कानून आया था, कहीं लिखा होगा इसके बारे में। कहाँ लिखा, 1993 में कानून आया था एमपी लैड्स का, तब इसमें रकम 1 करोड़ थी, फिर 2 करोड़ हुई, अब महंगाई बढ़ते हुए एक रकम 5 करोड़ हो गई है। तो ये पैसा सबको मिलता है, यानी राज्यसभा में जो मनोनीत होगा, जैसे मान लो तेंदुलकर भाई ने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन राज्यसभा का मेंबर जब भी था तो भी उसको 5 करोड़ रुपए मिलते थे। यानी हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे वो नॉमिनेट हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, सबको मिलता है 5 करोड़ रुपए। लेकिन अब आप बोलेंगे साहब कि जो सचिन हो गया या रेखा हो गई, ये तो कहीं से जीत के आए नहीं, तो ये राज्यसभा के मेंबर है, ये पैसे कहाँ खर्च करेंगे अपने 5 करोड़। तो ये इनके साथ शर्त ये है कि जिस राज्य से आए हैं वहां पे 40% खर्च करना है और बाकी 60% देश में कहीं भी खर्च करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मान लो उनको, सचिन को लग रहा है कि इंदौर में पास में किसी कोई गर्ल्स स्कूल है, उस स्कूल की बिल्डिंग रिनोवेट करवानी है, तो इंदौर कलेक्टर को कहेगा सचिन कि भाई मेरे एमपी लैड से पैसा ले लो और ये रिनोवेट करा दो, तो फिर इंदौर कलेक्टर के खाते में वो पैसा ट्रांसफर करेगा मौसपी, और उसके बाद फिर ये होगा। तो जो नॉमिनेट हैं वो पूरे देश में कहीं भी पैसा लगा सकते हैं, और जो कहीं चुन के आए, जैसे शंकर लालवानी, तो शंकर लालवानी सारा पैसा इंदौर में ही लगाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात, रिप्लाई करो। तो सर इनका पूरा डाटा, मतलब इन्होंने कहां क्या खर्च किया है, पूरा वो होता होगा? हाँ मिल जाएगा ना, आरटीआई से राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाओ, मिल जाएगा। लेकिन इस साल खर्च ही नहीं हुआ क्योंकि कोविड आ गया था, सरकार ने बोला देना ही नहीं किसी को पैसे, 1 रुपया पैसा ही नहीं है, और अब ये न्यूज आ रही कि 50% से ज्यादा पैसा लैप्स होने वाला है क्योंकि यूज ही नहीं किया। ठीक है सर, टोटल सीट्स कितनी होती है संसद की? टोटल किसकी? एमपी की। एमपी की टोटल क्या सीट्स? ये सांसदों की। सांसद की क्या सर? सांसद उनकी टोटल कितनी सीट्स लेती है अपने इंडिया में? सीट सीट है ना, तो भाई लोकसभा में टोटल सीट है 552 लेकिन बैठते 545 ही है, और राज्यसभा में टोटल सीट है 250
तो राज्यसभा में 250 है, 250 बैठ जाते हैं, और लोकसभा में 552 है लेकिन बैठते 545 है। क्लियर है? यस सर। मतलब ये इन जितने भी हो गए 795 सबको पैसे मिलते हैं ना, 795, हाँ सबको पैसा मिलता है, 795 लोग एमपी हमारे देश के। ठीक है, यस सर। अगली न्यूज है राइट टू एजुकेशन को लेकर। राइट टू एजुकेशन क्या है? एक्सक्यूज मी सर, पूछिए सर, ये पैसे एक बार में आते हैं या जब वो डेवलपमेंट के लिए कुछ बोलते हैं? पैसा आता ही नहीं है, पैसा पहली चीज तो आता ही नहीं है। कलेक्टर की अथॉरिटी रहती है। शंकर लालवानी बोलेंगे भाई कि मैं चाहता हूँ यहाँ की एक रोड बनवा दो, तो उसका प्रोजेक्ट जाएगा कलेक्टर के पास। कलेक्टर बोलेगा साहब 25 लाख रुपए में रोड बन रही है, तो लालवानी अपना लिख के देंगे अपनी अथॉरिटी से कि हाँ मुझको जो 5 करोड़ रुपए मिले उसको नहीं है, वो सरकार की तरफ से आएंगे जब कलेक्टर डिमांड करेगा कि भाई शंकर लालवानी कह रहे हैं इनका जो एमपी लैड का पैसा है उससे 25 लाख रुपए मुझको चाहिए क्योंकि मुझे रोड बनवानी है। क्योंकि कलेक्टर कौन है? मेन एग्जीक्यूटिव है जिले का। ठीक है, तो इनके पास कुल समझ लो 5 लाख रुपए का, 5 करोड़ का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप कौन करता? कलेक्टर। ओके सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है ये। अगली न्यूज है देखो राइट टू एजुकेशन को लेकर, यानी शिक्षा के अधिकार को लेकर। राइट टू एजुकेशन क्या है? सब पढ़े, सब शिक्षित हो। पहले हमारे पास ये डीपीएसपी में था कि भैया जो राज्य सरकारें हैं वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़वाएं, लेकिन हमने पूरा कानून लाया 2009 में, और आर्टिकल 21 में भी एक हिस्सा और जोड़ा। आर्टिकल 21A के तहत हमने राइट टू एजुकेशन दे दिया, शिक्षा का अधिकार। यानी हमारे देश में हर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु का हर बच्चा अनिवार्य शिक्षा लेगा, इसेंशियल एजुकेशन मिलेगी उसको और फ्री मिलेगी। अगर वो संपन्न है तो उसको जहां पढ़ाना है पढ़ाए अपने बच्चे को, लेकिन नहीं संपन्न है तो वो बच्चा ऐसा नहीं कि उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। तो ये RTE जो है राइट टू एजुकेशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब तो ये फंडामेंटल राइट इन बच्चों का। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक इनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, और अब क्या हुआ भाई, एजुकेशन मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? स्कूलों में मिलेगी। तो हर जगह तो सरकारी स्कूल है नहीं, हर जगह सरकारी स्कूल नहीं, और पूरे जिले के लिए सरकारी स्कूल की सीटें भी नाकाफी हैं, तो भाई बाकी बचे बच्चों को प्राइवेट में भेजना पड़ेगा। तो प्राइवेट वाला लेगा पैसा, तो उसके लिए ये किया गया कि जो जिले का कलेक्टर है वो RTI का नोडल ऑफिसर होता है, RTE का नोडल ऑफिसर होता है। तो जो लोग संपन्न नहीं है और वो चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े और सरकारी स्कूल में जगह नहीं है, तो वो RTE की अप्लीकेशन भर के कलेक्टर को देते हैं। कलेक्टर उनसे पूछता है आपके स्कूल, आपके घर के आसपास कौन कौन से प्राइवेट स्कूल है, भले कितना बड़ा भी प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो। फिर वो उस प्राइवेट स्कूल को बोलता है कि आपको अपनी 10% सीट किसके लिए निकाल के रखनी है, मिनिमम 10% सीट किसके लिए निकाल के रखनी है, राइट टू एजुकेशन के लिए, भले कितना बड़ा भी प्राइवेट स्कूल होगा उसको मिनिमम 10% स्कीम वो जो है 10% सीट जो है वो RTE के तहत निकाल के रखनी है। लेकिन अब वो प्राइवेट स्कूल बोलता है साहब आपने फ्री में तो पढ़वा लिया लेकिन हमारे स्कूल में पढ़ा है रहा है, तो भाई उसका खर्चा कौन देगा? तो केंद्र सरकार ने बोला कि यार इसका पैसा हम देंगे। तो बात यह हुई कि भाई पैसा हम देंगे तो हम कौन? तो मालूम चला कि भाई दिल्ली यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर RTE का पैसा भरती हैं, तो मोस्टली जो केंद्र सरकार होती है वो 60% भरती है सामान्य राज्यों में, और राज्य सरकार 40% भरती है। मालूम चले कि 100 रुपए फीस थी कोई अच्छा स्कूल, मान लो चलो डेली कॉलेज में RTE में कोई गरीब का बच्चा पढ़ा वो तो फ्री में पढ़ा, लेकिन डेली कॉलेज ने बोला कि मेरे यहाँ 100 रुपए फीस थी, 100 रुपए कौन देगा? तो भाई केंद्र सरकार ने बोला 60 मैं दे देता हूँ, 40 राज्य सरकार से ले लो। लेकिन ये सारी चीज की व्यवस्था कराने का काम कौन जिम्मा है? किसके पास? कलेक्टर के पास। जिले में RTE का नोडल ऑफिसर कलेक्टर होता है, हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलवाना भी कलेक्टर का काम है, और उस प्राइवेट स्कूल को पैसा दिलवाना भी कलेक्टर का ही काम है। तो सरकार ने अभी ये बोला है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बोला है जो RTE है यानी शिक्षा का अधिकार है, इसके लिए जो पैसा ट्रांसफर होता है, ये जो पैसा ट्रांसफर होता है इसको हम कैसे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, DBT करना चाह रहे हैं, या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करना चाह रहे हैं। यानी जो स्कूल कॉलेज है
स्कूल सारी सॉरी जो स्कूल है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल है उनका पैसा सीधा उनके खाते में जाए। अभी क्या होता है कलेक्टर के पास आता है, कलेक्टर फिर उनको देता है। फिर इसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी कि हमको मिल रहा है पैसा नहीं मिल रहा, स्कूल वाले बोल रहे हैं दो साल से पैसा ही नहीं मिला, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। तो सरकार ने बोला है, केंद्र सरकार ने बोला है कि यार जो भी पैसा जाएगा ना वो डीबीटी के माध्यम से जाएगा, यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से जाएगा। तो अभी तक आपने जाना कि राइट टू एजुकेशन क्या है, अभी आपने ये जाना कि राइट टू एजुकेशन को एग्जीक्यूट कौन करता है जिले में, अभी आपने ये जाना किस तरह गरीब का बच्चा एक बड़े से प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ सकता है, कितनी उसमें सीटें रिजर्व है हर मिनिमम प्राइवेट स्कूलों में, और जो खर्चा है वो 60% केंद्र सरकार से आता है 40% राज्य सरकार से आता है, इसमें कोई डाउट तो पूछ लो। सर इस प्रोसेस में मैक्सिमम टाइम कितना लगता है? वो तो कलेक्टर बताएगा, फिर भी 3 महीने मिनिमम। वो तो निकालते हैं, हर जिला कलेक्टर निकालता है अपने हिसाब से कि जनवरी में फॉर्म निकलवा देता है कि भाई जिसको जिसको रखना है। यस सर। माता पिता को कहाँ मिला पैसा? स्कूल के खाते में जाएगा, जो स्कूल पढ़ा रहा है प्राइवेट उसके खाते में जाएगा, माता पिता को नहीं मिलेगा। और आरटीई में ये भी है कि ये अधिकार है बच्चों का, कोई भी माता पिता ये बोल के मना नहीं कर सकता अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कोई भी अगर माता पिता या गार्जियन ऐसा कहते हैं कि मेरा बच्चा मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो वो जेल जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे का अधिकार है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्लियर है तो रिप्लाई करूं? यस सर। अब इसके लिए एक पूरी योजना चल रही है, उस योजना का नाम है समग्र शिक्षा, कहीं लिखा होगा ये देखो समग्र शिक्षा योजना। इस योजना ये योजना के बारे में जब भी लिखने को आए तो आपको लिखना है कि इस योजना के तहत ही शिक्षा का अधिकार सुलभ हो पाया है, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को मिल पाया है। तो समग्र शिक्षा योजना 2026 तक चल रही है, सरकार इसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकालती रहती है, लेकिन इस समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत ही आरटीई आता है कि हर 6 से 14 वर्ष का बच्चा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले पाए। समग्र अंग्रेजी में भी समग्र ही है, असल में दो अलग अलग स्कीम थी उसको जोड़ के एक किया सरकार ने, तो समग्र रख दिया। ठीक है, और इसी समग्र शिक्षा की समग्र आईडी है। ठीक है, जो समग्र आईडी बनती है स्कूल में एडमिशन के लिए। एक योजना और भी है ना, वो सब पढ़े सब बड़े वाली। क्या कह रहे हैं? एक योजना और भी है ना, वो कि सब पढ़े सब बड़े, वो पैसे से बड़े। योजना नहीं है वो टैगलाइन है, टैगलाइन है। स्कूल चले हम सब बड़े सब बड़े, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, सब टैगलाइन है। ठीक है, आगे चले। यस सर। शिक्षा का अधिकार क्या है 2009 में आया, अनुच्छेद 21 ए में दिया हुआ है, ये सब कहानी मैंने समझा दिया आप लोगों को। और यहाँ पे एक पॉलिसी है नो डिटेंशन पॉलिसी, ये क्या है लगे हाँ तो ये भी जान लो, नो डिटेंशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत ये था कि भाई कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को डिटेन नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता स्कूल जाने से। तो सरकार पहले बहुत सख्त थी, नो डिटेंशन पॉलिसी कि नहीं नहीं हर बच्चा जाएगा स्कूल, हर बच्चा। लेकिन हर बच्चा सामान्य नहीं होता, कुछ बच्चे मानसिक बीमारी होती है, कुछ बच्चे विकलांग होते हैं, वैसे विकलांग शब्द गलत है, यानी कुछ बच्चे दिव्यांग होते हैं, कुछ बच्चों के साथ कोई और दिक्कत होती है, वो खड़ा नहीं हो पाता बैठ नहीं पाता। अब तुम हर बच्चे को स्कूल भेज दोगे 3-4 घंटे के लिए तो क्या बता वो 3 घंटे उसके लिए भारी हो, वो जी ना पाए रो ना पाए। तो सरकार ने इस पॉलिसी को कैंसिल किया है अभी 2019 में कि अगर कोई विशेष परिस्थिति है तो वो बच्चा स्कूल ना जाए तो भी चलेगा, हम उसके लिए कोई और व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये जबरदस्ती नहीं कि 6 वर्ष का हुआ नहीं कि घर से उठा के स्कूल भेजना है तो भेजना है। ये तो पहले क्या था, अगर नहीं भेज रहा है तो माँ बाप या गार्जियन दोषी होते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति दिखी है कि बच्चे आधे घंटे भी माँ बाप से दूर रहे तो उनके जीवन पे क्षति हो जाती है, जीवन पे बात आ जाती है कुछ विशेष परिस्थितियों में। इसलिए भाई नो डिटेंशन जो पॉलिसी है उसको स्क्रैप कर दिया गया है 2019 में, एक संशोधन लाके इसको अनिवार्य शिक्षा वाली जो बात है उसमें अनिवार्यता हटा दी गई है कि कुछ स्पेशल चाइल्ड स्पेशल परिस्थितियों में स्कूल ना जाए तो भी चलेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। तो न्यू नो डिटेंशन पॉलिसी किससे जुड़ी हुई है? आरटीई से जुड़ी हुई है। अगली न्यूज जो है वो इलेक्टोरल रोल से जुड़ी हुई है, मतदाता सूची से जुड़ी हुई है। क्या है मतदाता सूची? सब आप लोग जानते हैं, 18 साल से बड़े व्यक्ति है तो आप राइट टू वोट है आपके पास,
और हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, बिना जात पात लिंग रंग रूप पूछे 18 साल के ऊपर हो सब वोट देने का अधिकार है। तो वोट दोगे कैसे जब तक मतदाता सूची में नाम नहीं होगा? मतदाता सूची को हम क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इस सूची में आपका नाम होता है तभी तो आप जाते हैं फिर वहां पे जो वोटिंग पुलिंग बूथ होता है वहां वोट डाल पाते हैं। तो अभी इसको मेंटेन कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग जो है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो इसको मेंटेन कराता है। राज्य में जब चुनाव होते हैं तो राज्य इलेक्शन आयोग करवाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। और ठीक है, इससे पंचायत चुनाव की बात होगी तो जो राज्य का चुनाव आयोग है वो इलेक्टोरल रोल तैयार कराएगा। अभी ये बात आ रही थी कि भाई क्यों ना आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड तो सबका बना हुआ है, क्यों ना आधार कार्ड के साथ इलेक्टोरल रोल को लिंक कर दे। भाई उसका आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में उसके बाप का नाम है, उसका नाम है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, उसके घर का पता है, बस एक चीज तो और जोड़ दो ना, कहाँ का वो मतदाता है। इससे जो फर्जी मतदाता है वो बच जा, उनके बारे में मालूम चलेगा। एक आदमी दो जगह मतदान नहीं कर पाएगा। अभी ऐसा होता है कि डबल डबल एंट्री होती है, ठीक है, बहुत से लोग आधार कार्ड से हमें उसकी उम्र मालूम चल जाती है कि भाई 18 साल कूदा, ऑटोमेटिक उसका नाम मतदाता सूची में डलना है। तो ऐसी एक सिफारिश की गई है किसके द्वारा? लॉ कमीशन के द्वारा। किसको सिफारिश की गई? चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग ही मतदाता सूची बनाता है। ये सिफारिश की गई है, ये सिफारिश मानी जाती है नहीं मानी जाती है वो अलग बात है, लेकिन ये सिफारिश की गई है। तो सिफारिश करने वाला कौन है? लॉ कमीशन। सिफारिश करने वाला कौन है? लॉ कमीशन या विधि आयोग। असल में विधि आयोग ना कोई संवैधानिक आयोग है, संविधान इसके बारे में कोई बात नहीं दी है, और ना ही कोई ये वैधानिक आयोग है। यानी दो तरह की बॉडी होती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसके बारे में संविधान में कोई आर्टिकल लिखा हो, एक बॉडी को कहते हैं वैधानिक बॉडी जिसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी या वैधानिक बॉडी। इसका मतलब जिसके लिए संसद में कोई कानून आया हो, बिल आया हो। तो लॉ कमीशन ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना वैधानिक बॉडी है, मतलब कौन सी बॉडी है ये? तो इसे कहते हैं ये एक कार्यकारी संगठन है या कार्यकारी आदेश से बनाया हुआ संगठन है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसके बिहाफ में काम करता है? राष्ट्रपति के। तो प्राइम मिनिस्टर सील मोहर मार के बोल देता है लॉ कमीशन बनाना है तो बन जाता है। तो लॉ कमीशन के पास ज्यादा पावर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल आदेश से बना है, इसलिए इसकी जो भी बातें होती है वो कैसी होती है? एडवाइजरी होती है। ये सलाह देता है, ये सिर्फ सलाह देता है, और इसकी सलाह माने नहीं माने बाध्यकारी नहीं होती। तो जो 255वीं रिपोर्ट आ गई है इसका मतलब 255वीं बार लॉ कमीशन बन चुका है। इसमें विधि के अच्छे जानकार होते हैं, इनको बुलाया जाता है कि भाई आप बैठो, खाना खर्चा लो, जितने महीने काम करना है करो, मेन काम ये है, जो हमारे अभी कानून है इनमें से कौन सा कानून खराब है बता दो हटा दें, और कौन सा कानून नहीं है उसको ला दे ये बता दो, ठीक है। इनको उतने समय का पेमेंट कर दिया जाता है। और विधि आयोग की जो पहला विधि आयोग था हमारे देश का वो कब बना था? 1835 में अंग्रेजों के समय। और जो पहला विधि आयोग का मुखिया था वो कोई कौन बताएगा कौन था पहले विधि आयोग का मुखिया? लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड बेबिंगटन मैकॉले, जिसको हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहते हैं। तो ये पहले विधि आयोग का मुखिया था जो 1835 में बना था। अमूमन हर एक साल, दो साल, तीन साल में ये बनता रहता है। तो इसने एक सलाह दी। तो अभी आप जान गए हैं कि लॉ कमीशन या विधि आयोग ना संवैधानिक निकाय है ना वैधानिक निकाय है, ये कार्यकारी आदेश से बनता है। क्लियर हो तो रिप्लाई करो। यस सर। नाम इसका भारी है इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाया, ये तो विधि आयोग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो होगा, आयोग लिखा हुआ है बकायदा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनता है। संविधानिक मतलब जिसका जो संविधान में दर्ज है, हाँ मूल में, या फिर संविधान संशोधन करके कोई आर्टिकल के साथ दर्ज है उसे कहते हैं संविधानिक बॉडी। और अभी जैसे कोई भी कानून आ रहा है, अभी जैसे रोज कानून आए जा रहे हैं नए नए, तो ये कौन सी बात है? वैधानिक
इकाई या स्टैचुटरी बॉडी? फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ, जो अंग्रेजों ने बनाया था। अगली न्यूज डैम को लेकर है, डैम। तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का ही मुद्दा है, अगर डैम टूट जाएगा तो बाढ़ आएगी, डैम टूट जाएगा तो हमारी फूड सिक्योरिटी पर इफेक्ट करेगा, इतना पानी आएगा कि जो फसल है वो ही बर्बाद हो जाएगी, तो भूखे मरेंगे और डूब के मरेंगे वो अलग से। लेकिन अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हिस्सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें कैसे आ रहे हैं ये हम देखते हैं। असल में क्या है, मेरे पास एक केंद्रीय जल आयोग है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग, क्योंकि जल बिन सब सून, जल नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी और लड़ाई झगड़े अब जल के लिए हो रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार में एक सेंट्रल वाटर कमीशन है, सेंट्रल वाटर कमीशन जो है इसमें राज्य के लोग भी रहते हैं, केंद्र सरकार के भी लोग रहते हैं, मंत्री मिनिस्टर भी रहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी रहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पानी, पानी और पानी को लेकर लड़ाई बहुत होती है, क्योंकि हमारे देश में कई नदियां ऐसी हैं जो, जैसे गंगा की बात करो तो उत्तराखंड से कूदती है, फिर यूपी आती, फिर बिहार जाती है, झारखंड जाती है, फिर पश्चिम बंगाल जाती है, फिर बांग्लादेश जाती है, सबको पानी चाहिए। और पानी अगर कम आया, पानी कम पहुंचा, तो फिर तलवारें खिंच जाती हैं, राज्य राज्य लड़ाई हो जाती है। तो सेंट्रल जो वाटर कमीशन या केंद्रीय जल आयोग है, इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहला चीज तो जितनी बारिश हो तो बारिश में बाढ़ ना आए, इसके लिए अपने डैमों को मेंटेन करके चलो। दूसरा, जब गर्मी आए तो डैम में इतना पानी हो कि भाई कोई प्यासा ना मरे। तीसरा, जब पानी ना गिर रहा हो, मानसून अच्छा ना हो, तो भी इतना पानी हो कि फसलों को पानी मिल जाए। मतलब बहुत ज्यादा मेंटेन, इसको मैनेजमेंट करना पड़ता है पानी को लेकर, नहीं तो किसान खड़ा हो जाएगा, आम आदमी खड़ा हो जाएगा और सरकारें भी खड़ी हो जाएंगी, भाई पानी चाहिए। तो केंद्रीय जल आयोग ने बोला, यार हम पानी के लिए इतने ज्यादा निर्भर हैं, तो हमें पानी को बचाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डैम है, यानी बांध है। अब हमारे देश में बहुत सारे बांध हैं, लेकिन अब उन बांधों की भी एक निश्चित उम्र होती है, ऐसा नहीं कि एक बांध बना दिया तो 100 साल चलेगा, उसको समय समय मरम्मत करनी पड़ती है, नहीं तो एक भी बांध टूट जाएगा तो कितनी तबाही मचाएगा वो अलग। इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक से बात करी थी आज से 5-8 साल पहले कि साहब हमें कुछ पैसा दे दो। वर्ल्ड बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का पहला अल्फाबेट क्या है, जो ऑनलाइन है वो बताएं, वर्ल्ड बैंक का पहला अल्फाबेट क्या है? W. तो W फॉर वर्ल्ड बैंक, W फॉर वॉशिंगटन DC। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। तो हमने वर्ल्ड बैंक से बात की थी, और वर्ल्ड बैंक दुनिया भर के देशों को लोन देता है विकास के नाम पे, डैम की मरम्मत करेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक पानी रखेंगे, इस पानी से तरक्की आएगी, लोग प्यासे नहीं मरेंगे, खेती अच्छी होगी, तो अल्टीमेटली विकास होगा। तो हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगा था कि साहब मेरे देश में बहुत सारे ऐसे डैम है जिसको मरम्मत लग रही, और मरम्मत के लगेगा पैसा, मेरे पास अभी इतना पैसा एक्स्ट्रा नहीं है कि मैं अपना वो पैसा निकाल के डैम की मरम्मत करूं। तो वर्ल्ड बैंक ने हमको बोला कि ठीक है, हम तुमको देते हैं पैसा, हम तुमको देंगे पैसा, एक योजना शुरू कर देते हैं, उस योजना का नाम है ड्रिप योजना, हिंदी में कहते हैं बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, इंग्लिश में कहते हैं डैम रिहैबिलिटेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, ड्रिप परियोजना। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ड्रिप मतलब होता है पानी की बूंद, ठीक है, तो ड्रिप का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इस परियोजना के तहत हमको पैसा कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक। और इस पैसे को लेकर हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश के जो बड़े डैम है, जो मेजर डैम है, उनकी मरम्मत कर रहे हैं, उनकी हम मरम्मत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रिप 2 लिखा है, इसका मतलब ड्रिप 1 भी रहा होगा प्रोजेक्ट, इसका मतलब ड्रिप 1 भी रहा होगा। तो हमने पहले भी इससे पैसा लिया है, फिर इससे पैसा लेने आ रहे हैं। तो एक मिनट का ब्रेक है भाई, यहाँ पे गाना होना बज रहा बगल में, राजवाड़ा में खुशी है, इंडिपेंडेंस डे की सर।
मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो ये ड्रिप एक परियोजना है जिसके तहत हम डैमो को का पुनरुद्धार कर रहे हैं, डैमो को जिंदा कर रहे हैं। इसके लिए पैसा हमें वर्ल्ड बैंक दिया है। ड्रिप वन हो चुका है, ड्रिप टू अभी चल रहा है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ये दुनिया भर के देशों को पैसा देता है लेकिन विकास के नाम पे, कर्जे के नाम पे नहीं देता कि भाई अब जाओ खा पी की उड़ा दो, ठीक है, विकास के नाम पे देता है। और ये ड्रिप इरिगेशन क्या है बता दिया, इसमें आपके मध्य प्रदेश को ही पैसा मिलेगा। मेरे पास ही बड़े डैम है, नर्मदा बड़े बने हुए, अमूमन सारे डैम बड़े हैं। तो हम इस पैसे से मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मोटे तौर पर जहां बड़े डैम बने हुए हैं उनको पैसा मिलेगा। हम अपना डैम सुधारेंगे जिससे कि हम अपने पानी की जो सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी, उसको सस्टेन कर पाए, उसको हम सवार पाए, रोक पाए। नहीं तो हम पानी की दिक्कत हमारे साथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये न्यूज थी कि भैया वर्ल्ड बैंक के पास गए थे और ड्रिप टू की के एवज में हमें नई किस्त मिली है। तो ये मैंने कहानी आपको समझा दी, क्लियर है? रिप्लाई कर दो। यस सर। अब चलते हैं सिक्योरिटी की जो न्यूज है उसमें चलते हैं। हमने एक अपना स्वदेशी शब्द में जाना, भारत ने पहला स्वदेशी यानी इंडिजिनस क्या बनाया है, विमान वाहक पोत बनाया है। विमान वाहक पोत मेरे पास पहले से थे। विमान मतलब यहाँ पे विमान, ये सब विमान खड़े हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे विमान खड़े रहते हैं, यहाँ से उड़े आते हैं वो, ये मेरे पास पहले भी थे। लेकिन जो थे वो हमने किसी से लिए थे, खरीदे थे। ये मेरा स्वदेशी है यानी इसको मैंने खुद बनाया है और इसका नाम विक्रांत है। विक्रांत नाम से पहले हमारे पास एक आईएनएस था लेकिन वो हमने कहाँ से लिया था, रशिया से लिया था। बाद में उसको हमने डिसेंबल किया, डिसेंबल ही कहते हैं ना, असेंबल का उल्टा क्या होता है, डिसेंबल ही होता है ना, उसको डिसेंबल किया। उसके बाद आपने देखा होगा बजाज ने एक बाइक निकाली थी, उसमें विक्रांत नाम से वी नाम का सिंबल था, तो उस स्टील से उसने बाइक बना दी। उस विक्रांत को हमने वापस पैदा किया और इसको हमने खुद बनाया है। ये हमारे देश का पहला विमान वाहक पोत है, पहली चीज। मेरे देश में अभी तक सिर्फ एक ही विमान वाहक पोत था, ठीक है, लेकिन वो भी हमने किससे प्राप्त किया है, रशिया से। अब मेरे पास दो विमान वाहक पोत है यानी एयरक्राफ्ट कैरियर दो हो गए, जिसमें एक मेरा स्वदेशी है, इसका नाम है विक्रांत, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, यहाँ लिखा हुआ कहीं, इसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, कहाँ गया, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। और ये एक सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है हमारा, जहाज रानी मंत्रालय जो है उसके अधीन आती है, और ये एक लौती सरकारी कंपनी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जिसने ये काम किया है। और कोचीन कहाँ पे है, कोचीन कहाँ है, केरल में, इसको कोच्चि भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 2013 से इसको बनाने में लग गए थे और उसके बाद अब जाके बना है। न्यूज अभी क्यों आई है, अभी न्यूज इसलिए आई है कि ये तैयार हो गया है। अब ये किस में गया है, सी ट्रायल में गया है, यानी अब इसको समुन्द्र में हम दौड़ाएंगे और हर तरह के मौसम में जो भी इसकी, इसे कहते थे टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो पूरे एक साल अभी ये सी ट्रायल करेगा। और 2022 में हो सकता है 15 अगस्त को 2022 को तक हम इसको फिर इसको यूज करना शुरू कर दें। लेकिन अभी ये क्या, तैयार हो गया है, समंदर में उतर गया है ये, अब ये सी ट्रायल में है, इसकी सारी फंक्शनैलिटी को हम चेक करेंगे। तो इसलिए न्यूज आई थी, विक्रांत क्या है, विक्रांत हमारे देश का पहला स्वदेशी युद्धपोत, सॉरी हाँ युद्धपोत कैरियर है, विमान वाहक है, विमान वाहक है। अगर अपने पड़ोसी मुल्क चाइना की बात करें, उसके पास तीन है ऐसे, उसके पास तीन ऐसे हैं जो कि उसने खुद बनाए हैं। मेरे पास अभी दो हैं, एक विक्रांत है और दूसरे का नाम है, उसका नाम भी वी से है, उसका नाम क्या है, जो मेरे पास रशिया वाला है उसका नाम भी लिखा होगा, उस माइक बंद करो, किसी का माइक चालू है। जो दूसरा मेरे पास है उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, ये भी मेरे पास युद्ध वो है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन ये रशिया से दिया हुआ है, हमने रशिया से खरीदा है। इसकी भी एक उम्र है, धीमे धीमे खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके रहते हुए ही हमने अपना एक नया तैयार कर लिया, ये हमारे लिए अचीवमेंट है और ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में ऐसे चार ही देश हैं जो खुद के अपने दम पे एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, उनमें से हम आते हैं,
ठीक है, तो हो सकता है बाद में आप मेरे आसपास के देश हमको ठेका दे दे या हमको ऑर्डर दे दे कि साहब हमारा भी एक बनवा दो, तो जिससे हम फॉरेन करेंसी जो है वो भी कमा सकते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात, रिप्लाई करो। यस सर। अब ये जो हमारे पास तैयार है विक्रांत, विक्रांत में हम बहुत सारे लड़ाकू विमान और बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी रखेंगे, उनमें से कुछ का नाम है जैसे यहाँ पे लिखा है मिग 21 हमने रशिया से लिए है लड़ाकू जेट, कमोव हमने रशिया से लिए है, और MH-60R इसको रोमियो भी कहते हैं, ये हमने यूएसए से लिया है हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर, और बराक LRSAM यानी LRSAM एक मिसाइल है, इसका नाम है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM, ये किससे हमने ली है, इसराइल से ली है। LAK-630 ये भी हमारे पास इसराइल से आई है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, ये जो हमारे पास रडार है RAN-LED रडार, ये भारत का बनाया हुआ है DRDO से, तो ये सारी चीजें याद रखना आ जाती है साइंस एंड टेक में हमारे डिफेंस में, कि MH-60R रोमियो क्या है, हेलीकॉप्टर है कि मिसाइल है, क्या है, किस देश से आई है, मिग किसके पास से है, कमोव किसके पास से, रफेल अब नहीं पूछेगा, सब जानते हैं रफेल के बारे में, लेकिन हम जो जैसे बराक है तो वैसे कहने को बराक एक नदी है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहती है, बराक एक ओबामा है जो कि यूएसए का राष्ट्रपति रह चुका है, लेकिन बराक नाम से जो हम मिसाइल खरीदते हैं वो हम इसराइल से खरीदते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात, रिप्लाई करो। जी सर। एक इंडिया, चाइना और यूएस और रशिया। अगली न्यूज है, रमन्ना साहब दिख रहे हैं आपको, हमारे देश के CGI, इनका फोटो क्यों आ गया भाई? असल में क्या है, रमन्ना साहब आते तेलंगाना से, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2014 से पहले तक एक ही राज्य थे, और यहाँ पे एक नदी बहती है उसका नाम है कावेरी नदी, कृष्णा नदी। तो जो कृष्णा नदी है, नदी के लेकर बवाल है भाई, हर कोई चाहता है ज्यादा से ज्यादा पानी मुझको मिले, तो इसके लिए क्या हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, हिंदी में कहते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद, कि दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी को लेकर जो विवाद होता है पानी को, उसको रहते हैं अंतरराज्यीय जल विवाद। तो कृष्णा नदी जो है, वैसे ये निकलती है महाबलेश्वर के पास से निकलती है, ताला कावेरी, वो महाबलेश्वर से निकलती है, ये महाराष्ट्र से निकल के फिर कूदती हुई आंध्र प्रदेश में आती है, फिर तेलंगाना में जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में घूमती है, और इस पे ही बहुत बड़ा एक डैम बना है, कृष्ण राज सागर डैम, जिसको बनवाया था हमारे देश के महान इंजीनियर MVishwasaraiah ने, जिनके जन्मदिन को हम मनाते हैं इंजीनियर डे के रूप में। तो कृष्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा नदी, और इस नदी के पानी के लिए विवाद चल रहा है, मोटे तौर पर विवाद चल रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। वैसे पांडिचेरी को भी पानी चाहिए, तमिलनाडु को भी पानी चाहिए, लेकिन अभी क्या है, जब ये विवाद चल रहा है तो इसके लिए एक पूरा बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड का नाम क्या था, कृष्णा नदी, ये लिखा होगा यहाँ पे, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, ये एक बोर्ड बनाया गया, ये बोर्ड तय करता है किस राज्य को कितना पानी मिलेगा इस नदी से। अब क्या हुआ, इस बोर्ड ने आंध्र प्रदेश को बोला, साहब कि आपको आपको कुछ पानी ज्यादा छोड़ना पड़ेगा तेलंगाना को, तो आंध्र प्रदेश ने छोड़ा ही नहीं तेलंगाना पे, तो तेलंगाना वाले पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि इकलौता ये विवाद है, यानी राज्यों के बीच में अगर पानी को लेकर विवाद होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, स्पेशल लीव पिटीशन लगा के 131 में दी है उसके बारे में, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, भाई पानी पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे लोग, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एक फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल राइट कहता है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, और पानी नहीं मिलेगा तो सम्मान कहां बचेगा, प्यास से मर जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश को इस बोर्ड ने आंध्र प्रदेश को कहा था, आंध्र प्रदेश आपको जितना पानी आप उपयोग करते हैं उससे थोड़ा कम पानी उपयोग करिए, बाकी पानी तेलंगाना को दीजिए, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने दिया नहीं, जब दिया नहीं तो तेलंगाना के लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट ने मालूम चला है तो अपने घर का लड़का है, CGI बना बैठा है। तो अब अगर CGI इस केस की पैरवी करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता कि भाई हमारे राज्य की ही बात हो रही है, हम ही अगर फैसला देंगे तो, अगर फैसला पक्ष में देंगे तो लोग बोलेंगे अपने राज्य का फेवर किया, और विपक्ष में दिया तो लोग बोलेंगे बताओ दिल्ली जाके हवा लग गई इसको, राज्य की बात नहीं करता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के CGI साहब ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया, ये जज के पास अधिकार होता है किसी केस में वो रहे या ना रहे। तो अभी क्या हुआ,
हमारे सीजीआई साहब ने ये जो कृष्णा नदी वाला विवाद है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, इस विवाद में से अपने आप को अलग कर लिया, बोला कि भाई दूसरे जजों को ये केस दे दिया कि आप इसको कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जज क्या ऐसा कर सकता है? हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होता है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। सुप्रीम कोर्ट का जज मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, मतलब वो तय करता है कि जो भी केस आए हैं वो किस जज को मिलेंगे। केसों का बंटवारा भी वो खुद करता है, तो वो खुद जब केसों को बंटवारा कर सकता है तो उसने तय कर लिया भाई इस केस में मैं नहीं रहूंगा, कोई और रहेगा। क्यों? उसने लिख के दिया भी कि क्यों नहीं रहूंगा, क्योंकि ये मेरे घर गृह जिले का गृह राज्य की बात है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या इसे हम कहते हैं कि एक और हिंदी में कुछ कहते हैं इसको, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं कोई बताएगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? रिप्लाई करिए। यस सर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब तो समझ गए ना? नो सर समझ गए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भाई मैं व्यक्तिगत रुचि, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर मतलब के किसी पक्ष में फैसला नहीं हो जाए। अरे इसका अच्छा हिंदी शब्द होता यार, अब मुझे याद नहीं आ रहा अभी। रुचि जिसमें सरकार अधिकार वही पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत रुचि कह सकते हो, है ना? देखिए कमेंट में कैसे रुचि हाँ वही चीज है, मतलब एनवी रमन्ना साहब तेलंगाना के हैं, सीजेआई हैं, अगर वो उसी केस का फैसला देंगे तो कोई कह सकता है ना कल को कि भाई तुम अपने राज्य का फैसला खुद क्यों दे रहे हो, इसलिए वो हट गए। तो अब जो काउंसिल सुनेगी इस फैसले को उसे कहा जाता है अपेक्स काउंसिल, अपेक्स मतलब होता है सर्वोच्च। हाँ ठीक है, अपेक्स काउंसिल सुनेगी और रमन्ना साहब ने बोला है कि भाई मैं इसमें नहीं बैठूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये जो आपका जो भी नदी के बंटवारे को लेकर, कोई भी नदी को बंटवारे को लेकर कोई बोर्ड बनता है तो उस बोर्ड का पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर होती है वो किसके अधीन होती है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, यानी जल मंत्रालय के अधीन होता है। जल शक्ति मंत्रालय जो है उसका जो मिनिस्टर होगा वो उसका सर्वे सर्वा होगा, क्योंकि पानी की बात है। हाँ वैसे अब उसका नाम है जल संसाधन तो नहीं, जल शक्ति मंत्री हो गया है वो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस। तो ये जो जिस तरह कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड है इसका भी मालिक कौन होगा? जल शक्ति मंत्री होगा। इस तरह कावेरी नदी बोर्ड भी है, उसका मालिक भी यही होगा, मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर में रहेगा, इनके प्रशासनिक अंडर में रहता है, कहीं कोई कैबिनेट सेक्रेटरी, कहीं कोई डिफेंस मिनिस्टर इनका मालिक नहीं रहता। जो भी फैसला होगा उसको लेकर फिर विवाद होगा, फिर आधी पार्टी बोलेंगी आंध्र प्रदेश वाली केंद्र सरकार मुझसे खफा है, अगर पक्ष में दे दी तो बोलेंगे केंद्र सरकार मुझसे पक्ष में है, या कोर्ट पक्ष में है, विपक्ष में, जो है वो चलता रहेगा। अब हम चलते हैं मेढक की दुनिया में, ठीक है, तो ये किसका पार्ट आ गया? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का पार्ट आ गया, इंग्लिश में कहेंगे तो एनवायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट आ गया। अब मेढक का भी सवाल आता है एग्जाम में, क्या आता है? ठीक है, पीएससी में तो अभी तक नहीं आता था, लेकिन मुझे डर है कि अब पीएससी भी पूछेगा, क्योंकि पीएससी अब करंट अफेयर्स की राह चल निकला है इस बार से। असल में जो मेढक है, नया मेढक मिला है, हमें नहीं जानना कहाँ मिला है, बस हमें ये जानना है कि मिनर्वेरिया पेंटली एक मेढक की प्रजाति है, बस मिनर्वेरिया पेंटली एक मेढक की प्रजाति है। तो ये जो पेंटली है, असल में जो भी हमें जीव जंतु मिलते हैं इनका जब हम नाम देते हैं तो कोशिश करते हैं जहां से मिले हैं उस इलाके का नाम दे दें, या किसी जो जैव वैज्ञानिक रहा है जिसने इनके पूरा जीवन लगा दिया इनको खोजने में तो उसके सम्मान में नाम दे दे। तो यहाँ पर जो पेंटली है, पेंटली नाम के एक व्यक्ति थे, उनका एक्चुअल नाम था दीपक पेंटल, दीपक पेंटल को समर्पित करते हुए इनके नाम पे पेंटली लगाया गया है। तो बस आप इतना जानो कि मिनर्वेरिया पेंटली एक मेढक की प्रजाति है, ठीक है, और दीपक पेंटल का नाम मत याद रखो चलेगा। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई कर दो। Yes, जी सर। एक मेढक को ढूंढने के लिए पूरी पूरी न्यूज बन गई, ऐसा क्यों? तो
पक्की बात है ये मेढक की आबादी बहुत कम होगी और हमारे देश में या दुनिया में जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा जीवन स्तर अच्छा रहेगा। तो पहले ये मेढक क्या है, इसकी आबादी कम होगी, जब इसकी आबादी कम होगी तो इसकी कोई ना कोई कैटेगरी में आता होगा ये, तो इसकी कैटेगरी है इनडेंजर्ड, हिंदी में कहते हैं संकटग्रस्त, यानी मनुष्यों की कामों की वजह से आज ये संकटग्रस्त है, इनडेंजर्ड कैटेगरी में है, अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये भी गायब हो जाएगी। यहाँ पे एक शब्द लिखा है IUCN, IUCN, IUCN एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लैंड में, ग्लैंड में मुख्यालय है, ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है ग्लैंड, वहां पे इसका मुख्यालय है। और IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी इसका हिंदी में नहीं बता पाऊंगा यार मैं, अंतरराष्ट्रीय संघ, देख लेना IUCN का हिंदी में क्या होगा, ठीक है। वैसे इसके बारे में बताऊंगा, अब इसके बारे में ये निकालते हैं एक्चुअल में रेड लिस्ट निकालता है, रेड लिस्ट, लाल रेड लिस्ट निकालता है, लाल सूची, इसमें जीव जंतु दोनों आते हैं, सॉरी पादप और जीव दोनों आते हैं, यानी फ्लोरा फौना दोनों आते हैं कि कौन कितना ज्यादा संकट में, और संकट किससे है, इंसानों से। अभी इसने एक नई सूची निकाली, उसका नाम है ग्रीन लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, ये आने वाली होगी एक दो दिन में, तब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा IUCN क्या होता है। तो इसने एक नई लिस्ट निकाली है, ग्रीन लिस्ट। चले आगे, रिप्लाई कर दो। ओके सर। स्काई ग्लो, प्रकाश प्रदूषण, ये पॉल्यूशन का पार्ट आ गया। प्रदूषण कौन सा प्रदूषण है, लाइट पॉल्यूशन। स्काई ग्लो मतलब जो हमारा आसमान है वो चमक रहा है, आसमान चमकना बहुत खतरनाक होता है, हम रात में उम्मीद करते हैं आसमान साफ दिखे, आसमान में चमके तारे, उसके अलावा कुछ ना चमके, लेकिन यहाँ पे सब चमक रहा है तारों को छोड़ के। तो मुद्दा क्या है भाई, इसका मतलब ये पॉल्यूशन की बात है। असल में हमारा जो आसमान है उसमें नेचुरली कुछ चमक होती है, भाई हमारे आसमान में धूल धक्कड़ है, नॉर्मल धूल धक्कड़ है, तो सूरज की रोशनी, क्योंकि सूरज डूबा तो है नहीं, हम बस मुड़ गए हैं, तो हल्की हल्की सूरज की आभा आती रहती है या चमक आती रहती है, तो आसमान में हल्की हल्की लालिमा रहती है, जैसे शाम को हम देखते हैं हल्की सी लालिमा रहती है। कभी कभी जो नेबुला होता है, सुपरनोवा होता है, वो टूटता फूटता रहता है, तो उसकी एक आभा हो जाती है। कभी कभी कोई उल्का पिंड हमारे पास से गुजरता है तो उसकी कोई चमक आ जाती है। तो हमारे पास प्राकृतिक रूप से हल्की हल्की रोशनी आसमान में तो है, लेकिन इस प्राकृतिक रूप वाली रोशनी जब तक रहती है तब तक सब अच्छा रहता है। रात में चिड़िया भी सो जाती हैं, अंधेरा रहता है उनको, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो चुंबक के सहारे, मैग्नेटिक फील्ड के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनको पूरा चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से समझ में आता है, वो आराम से चलती हैं। जो उल्लू होते हैं या जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होती हैं जो रात में विचरण करते हैं, उनको अंधेरा जब दिखता है तभी वो बाहर निकलते हैं। लेकिन आज हमारे शहरों में ऐसा हो गया है कि हम तो पहले 12 बजे तक दुकानें बंद नहीं करते अपनी, 12 बजे तक दुकान चलती रहती है, फिर 1 बजे तक हमारे घर की लाइटें जलती रहती हैं, घर भी हमने कांच कांच के बनवा लिए हैं, अंदर जलाते हैं 100 वाट का बल्ब, तो वो घर और चमकता रहता है। तो इतनी ज्यादा जो हम रोशनी फैला रहे हैं, इस वजह से रात होने के बाद भी रात नहीं होती है, आर्टिफिशियल लाइट रहती है स्काई में, जिसे हम कहते हैं स्काई लाइट, और एक तरह का प्रदूषण है, जिसकी वजह से आपको तो मजा आता है कि चलो देखो रात के 12 बज गए फिर भी कितनी रोशनी है, अच्छा चलो राजवाड़ा घूम के आते हैं, इतनी सारी लाइट जल रही। लेकिन वो जो रात में विचरण करने वाले प्राणी हैं, जिनको नॉकटर्नल कहते हैं, वो बेचारे उनकी रात ही नहीं हो पाती, उनकी रात हो नहीं पाती, रात के 1-2 बजे उनको अंधेरा समझ में आता है, सुबह 5 बजे मुर्गा बोल रहा कुड़ुक, तो उनका पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है, लाइफ साइकिल बिगड़ रहा है, उससे हमारी बहुत सी जो बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है, और ये एक तरह का पॉल्यूशन है। इस पॉल्यूशन की वजह से कई सारी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, कई सारे पेड़ पौधे की जो, जिसे हम कह सकते हैं कि जो उत्पादकता है वो कम हो रही है, हमारे तापमान, हमारे जो एनवायरनमेंट है वहां पे कई सारी गैसेस का जो मिक्सचर का रेशियो है, अनुपात, वो बिगड़ रहा है। तो ये एक पॉल्यूशन का हिस्सा है, और इसमें कहा गया है जो शहरीकरण बढ़ रहा है, इसमें नई नई स्ट्रीट लाइट, घरों में यूज करने वाली जो लाइटें हैं, फ्लड लाइट्स हैं, रात में नाइट मैच हो रहा है टूर्नामेंट T20 का, फ्लड लाइट जला रहे हैं, आपने तो मजे के लिए सब कर दिया, लेकिन जो एनवायरनमेंट को क्षति हुई उसका क्या। तो यही इसमें बात की गई है कि ये एक रिसर्च आया था, उस रिसर्च में ये बताया गया कि भाई इस स्काई ग्लो की वजह से
हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित हो रहा है इस और हमारे एनवायरनमेंट में मनुष्य को छोड़ के बाकी जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं, और खासकर वो जीव जंतु जिसमें एक आपका उल्लू आता है जो रात में ही काम करता है बेचारा, उसकी रात ही नहीं होती, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निशाचर, इंग्लिश में कहते हैं नॉकटर्नल। क्लियर हो रही मेरी बात, रिप्लाई कर दो। जी सर। तो आर्टिफिशियल स्काई ग्रो होता है, लेकिन वो कैसे होता है, जो मैंने बता दिया कि हमारे जो डस्ट वस्ट है उनसे हो जाता है, या हमारी जो गैसेस हैं ऊपरी वायुमंडल में उसमें हो जाता है, या फिर हमारी जैसे मैंने बोला कि हमारे कॉमेट है, उल्का पिंड है, टूटता हुआ तारा है, शूटिंग स्टार्स हैं, इन सब से होता है। ये सब चीज क्या है, ये नॉर्मल हो रही थी, लेकिन ये जो हमने कृत्रिम रोशनी लगाई है, कृत्रिम मतलब जो हमने पैदा की है रोशनी, उस वजह से कई चींटियां जो है बेचारी सुबह निकलती हैं खाने की तलाश में, रात में घर नहीं पहुंच पाती चींटियां, क्योंकि वो एक निश्चित वेव्स को फॉलो करती हैं, लेकिन इतनी रोशनी में वो उस चीज में कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि कहने को वो रोशनी है लेकिन है तो वो लाइट है, तो वो वेव्स, और वेव से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता ही है, ठीक है। वो चींटियां बेचारी घर नहीं पहुंच पाती, किसी और घर में चली जाती है रात में। तो इसकी वजह से ये एक रिसर्च है, उस रिसर्च ने बोला है कि भैया कोशिश करें कि रात में 8-9 बजे तक दुकानें बंद करके घर जाएं, चुपचाप सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। अब ये सवाल है आपके सामने, इस पर रिप्लाई करिए। मौलिक अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार, किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई है, ए में, आर्टिकल अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A, ठीक है ठीक है। 2009 में हमने संविधान में चेंजेस करके आर्टिकल 21 के अंदर एक और इंसर्ट किया, ए नंबर इंसर्ट किया, और ये बता रहा है राइट टू एजुकेशन के बारे में। अगला सवाल है कि कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि 2014 में एक अधिनियम के द्वारा, अधिनियम मतलब वैधानिक तौर पे स्टेट्यूटरी बॉडी है, हमने संसद में बिल लाया था इसके लिए, ठीक है, एक वैधानिक निकाय है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इसका बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण कैबिनेट सचिव के पास होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसका प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है, जल मंत्री के पास, जल मंत्रालय के पास, कैबिनेट सचिव के पास नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल स्टेटमेंट एक ही सही है। तीसरा स्टेटमेंट विक्रांत के बारे में है, पहला कह रहा है कि भारत का स्वदेशी रूप से बनाया गया विमान वाहक पुत है, दूसरा कह रहा है ये भारत का अब तक का एकमात्र विमान वाहक पुत है। अब हमारा एकमात्र तो है नहीं, हमारे पास तो क्या था, विक्रमजीत, विक्रमादित्य भी है, इसमें भी पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। क्लियर हो रहा, रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।